आज से 15 साल पहले विश्वास किया। मैं एक पागल व्यक्ति था, बीमारी था कि वो ठीक नहीं हो पा रहा था, सिर में दर्द होता था। बाद में मेरे ऊपर शैतान खेलने लगे, जो जिन थे, और काफ़ी पैसा डॉक्टरों के यहाँ, सोखा के यहाँ, सब जगह दिए, कोई ठीक नहीं कर पाया। बिना के डॉक्टरों के यहाँ मेरा इलाज चला, वहाँ भी नहीं सही हो पाया। इसमें मैंने विश्वास किया, इस मसीह ने चंगा किया। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबका स्वागत करते हैं और फिर एक नए वीडियो के में। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को मैं अपने प्रेस द लॉर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी गवाही को लेकर आते हैं और वो सच्ची गवाही रहती है। जो है कि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इनके बारे में हम कुछ जानेंगे कि कैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले पास्टर जी आपका स्वागत है। बिल्कुल। और अपना जो है कि परिचय दीजिए। और जो है कि मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सच में ये समय परमेश्वर ने दिया और ये भैया जब हमारे पास आए तो मैं इनसे, इनको मैं नहीं जानता हूँ ना ये हमको जानते हैं, तो इस हमारा छोटा सा एक चर्च है, मतलब यहाँ पे मीटिंग होता है जिसमें मुश्किल से 200 से 500 के बीच में लोग आते हैं। तो भैया ने जब हमसे बात की है तो बताया कि मैं एक सेवक हूँ और प्रभु का हम प्रचार करते हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों से हम जुड़े हैं, लोग हमसे जुड़े हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि प्रभु ने भेजा है और मैं इनसे मिला, इनका भी आदर सम्मान किया और प्रभु का भी आदर किया और इनको एक सॉन्ग गाने का भी मौका दिया गया। बड़े अच्छे से भैया ने गाना गाया हमारे छोटे से चर्च में, लोगों को अच्छा लगा, ताकि प्रभु यहाँ पे काम किए और इन्होंने गवाहियों को देखा ताकि सत्य का प्रचार सब जगह किया जाए और सच दिखाया जाए, ताकि ये सच्चाई जो हमारे पास प्रभु ने दिया है वही चीज आगे लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। प्रभु यहाँ पे चंगाई करते हैं, यहाँ वचन ज्यादा दिया जाता है और ज्यादा करके वचन पे ही फोकस किया जाता है ताकि लोग मजबूत बने। तो ये मेरा सेवा है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज से 15 साल पहले विश्वास किया था। मैं एक पागल व्यक्ति था, जो मेरी गवाही है, और मेरे पास ऐसा बीमारी था कि वो ठीक नहीं हो पा रहा था, सिर में दर्द होता था। बाद में मेरे ऊपर शैतान खेलने लगे, जो जिन थे, और काफ़ी पैसा डॉक्टरों के यहाँ, सोखा के यहाँ, सब जगह दिए, कोई ठीक नहीं कर पाया। दिमाग के डॉक्टरों के यहाँ मेरा इलाज चला, वहाँ भी नहीं सही हो पाया। पर एक रेडियो के माध्यम से, जो एक रेडियो में मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें एक चैनल पकड़ा जिसका हेड ऑफिस लुधियाने में है और उसका जो प्रसारण सेवा है इंग्लैंड से किया जाता है, thevoice.com के नाम से। उसमें एक बहन थी जो उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है, पर उस बहन ने बोला कि एक हाथ रेडियो पर रखिए और एक हाथ सिर पर रख के प्रार्थना करिए तो इस मसीह आपको चंगा करेंगे। सच में मैं अपने उसारे में बैठा था और जब मैं प्रार्थना किया तो उसी समय सनाद मेरे दाहिने साइड से एक शक्ति समाई, जो मेरे से बात किया और बोला कि तेरे घर में एक किताब है जिसको तू पढ़ के छोड़ दिया था और वही किताब तुम पढ़ोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। सच में मैंने विश्वास किया। अब बचपन का रखा हुआ किताब जो 20 साल पुराना मैं भूल गया था, मेरे मम्मी के पेटी में पड़ा हुआ था, आओ पवित्र आत्मा, जो बाद में मुझे पता चला कि वो पवित्र आत्मा है, और मैं गया तो किताब मिला जिसे मैं बचपन में फाड़ के फेंक दिया था, सिर्फ 4 पन्ने बचे हुए थे जो आज भी मेरे पास हैं। तब मैंने उस दिन विश्वास किया, यीशु मसीह उसी रात मेरे छत पे आसमान से बातें किए और बोले कि बेटा मैं तुझे चंगा करूंगा। उस दिन से मेरा विश्वास प्रभु पे आया और मैं छोटा सा चर्च है पडरौना में, जहाँ पर मैं गया और वहाँ से मैं अपनी शुरुआत किया। अब परमेश्वर ने मुझे बदलते गया और मेरी पत्नी को भी, मिर्गी की बीमारी था बचपन से, जिन जो मेरी पत्नी है उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु ने बोला कि मैं तुझे वरदान दूंगा, एक दिन तू सेवा करेगा। तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं सेवक बनूंगा, पर परमेश्वर ने मुझे सच में 15 साल हरियाणा में रखा, जो फरीदाबाद जिला में पड़ता है, सेक्टर 2 बाईपास रोड, हरियाणा फरीदाबाद, और वहाँ मैंने चर्च अटेंड किया, वहाँ जाना शुरू किया क्योंकि वहीं मैं काम करता था। और प्रभु ने मेरे जीवन में शुरुआत किया, वहाँ मैं ट्रैक्स बांटने का काम किया, हॉस्पिटल में, रोड पे, पार्कों में, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, धूप में मैं ट्रैक्स बांटता था और लोगों को समझाता था, ठेला ठेला पे समझाता था। प्रभु ने बोला मैं तुझे अपने गाँव ले चलूँगा। सच में
चुनाव बहुत पहले था, पर प्रभु यीशु मसीह 2021 में 18 अक्टूबर को प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सेवकाई में खड़ा किया। आज 1.5 साल के अंदर लगभग 1000 परिवारों में प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। आज इतने परिवार जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं फ्री सेवा करता हूँ, किसी से एक रुपया नहीं लेते हैं और यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है और अच्छे तरीके से प्रभु की सेवकाई को हम चला रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस सच्चाई को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें फ्री में दिया है, फ्री में मैं देता हूँ, जब तक जीवित रहेंगे इस प्रचार को, इस सेवा को हम करेंगे और सभी मसीह भाई बहनों को मजबूत करेंगे। हालेलुया। मेरा नाम मुन्ना राम है, मेरा घर ग्राम गुबरहिया पोस्ट तौला थाना दाना जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ और अपने गांव के एक छोटे से फील्ड पे इस सेवकाई को शुरुआत किया गया है और आगे इस सेवकाई को चलाते रहेंगे। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो आप जो है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आप लोग को इसलिए चुना है कि आप लोग आशीषित हो। और मेरे प्रियो, मेरा चैनल का जो है कि ये चैनल से काफ़ी जो है कि वीडियो आप लोग के बीच में आता है और जो जिंदा गवाही होता है, जो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करता है। और आज देखिए, बहुत सारे लोग जो लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह इसलिए चुना है कि लोग के पास जाए और उन लोग के लिए जो है कि प्रार्थना करे और उन लोग जो है कि दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो। लेकिन उसका जो है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मिस यूज करते हैं और गलत तरीके से जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच को जानना है हम लोग को। और मेरे प्रभु, प्रभु आप सबको आशीष दे और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह। जय मसीह।